सही गाइस, अभी हो रहा है 3:15 और अभी आया एक पार्सल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:50 और मम्मी बाद में याद आया कि मम्मी काम वाम हो गया। आज मेरे दिन की शुरुआत ना सिर्फ कपड़े कपड़े से हुई। बाहर कपड़े सुखा के अभी फिर घर में कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। मम्मी उठी आई तो उनसे बात कर रही हूँ बाहर में। आज भी गर्मी है बहुत ज़्यादा। आज गुरुवार है, मम्मी का पहनना है हो चुका। मम्मी बना रही थी टी चल मैं जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मिल जाए। मम्मी का बी हाय बीपी हाय हो गया है, लो हो गया है, ऐसा लग रहा है मम्मी को। थोड़ा मतलब अजीब ही लग रहा है। लाइट तो बंद कर दिया कर। पनीर मम्मी क्या काट रही हो? कुंदू। तो ये गाइस चाय वाय पी के मैं सीधे बैठे काम करती हूँ। इतना जल्दी काम निकले उतना अच्छा। दाल भी बनाऊंगी प्लस कढ़ी भी बनाऊंगी। OMG थोड़ा नहीं चाय अभी बची है। एक बार गर्मी देख के मैंने स्किप कर दिया था कि कढ़ी वड़ी नहीं बनाऊंगी। बना लेते हैं नहीं बना मम्मी गाड़ने से ना हाथ की स्किन में पूरा जम जाता है, उसका बेकार लगता है। क्या जमता है? फेविक्विक की वजह से जम जाता है। अच्छा एकदम पत्थर टाइप टाइप ना चिपक जाते हैं एकदम। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी नहीं, फिर सोचा चलो मुर्रा ही दूंगी खाने के लिए, तो चलो इसको फ्राई करके फिर आप भर के भी रख दो डब्बे में, तो जब मन करे निकाल के खा लो टाइम पे। तो मैंने सोचा बढ़िया प्याज करी पत्ता बादाम वादाम डाल के बढ़िया से मुर्रा फ्राई कर दे, इसको कंटेनर में एयर टाइट करके बंद भी करके रख दिया। अब बन रहा है कड़ी। जल्दी बन जाएगा लगता है, बस हिलाने में इतना टाइम लगता है ना। मैं नहा के आ चुकी है, अभी पानी छोड़ने जाऊंगी। ये लोटा भजिया डल चुके हैं, लेट हो गए बहुत ज्यादा। देख रहे हो ना स्वेटिंग। कढ़ी बनाना मतलब नॉट अ इजी टास्क बोलो, लेकिन खाने में भी स्वाद रखती है तो मन भी करता है बहुत गर्मियों में। तो ये रहे कढ़ी वाले पकौड़े। तो ये फिर अलग से पतिदेव के लिए छान लिए। आज जबकि इतना स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है, पोहा मुर्रा फ्राई किया है मस्त, प्याज मूंगफली वगैरह डाल के करी पत्ता, फिर पकौड़े बनाए उनके लिए। तो पतिदेव है नहीं और कहीं गए बोल रहे हैं, टाइम लगेगा आने में। चलो कोई नहीं। हे गाइस देख रहे हैं हमारी कढ़ी रेडी। यहाँ पर हमने कढ़ी में लगा दिया है तड़का भी, बाकी बहुत टाइम लग गया मुझे बनाने में। गाइस यहाँ पे हमारी कढ़ी बन गई है, हम खा भी रहे हैं। वैसे सुबह खाने में भी मस्त लगता है कढ़ी, लेकिन मैं इसको पूरा कवर कर दिया था तो एकदम गाढ़ी हो गई। मेरे को लगा पतला रहेगा करके, बट कोई नहीं। सही गाइस अभी हो रहा है 3:15 और अभी आया एक पार्सल। तो चलो देखते हैं हम लोग हमने क्या ऑर्डर किया था और हमें क्या रिसीव हुआ है। तो ये रहा ब्यूटीफुल सा हैंड बैग, मैंने मंगाया था, दो हो गए ना फिर मेरे पास नए के नए। और ये भी देखने में अच्छा ही दिख रहा है, देखते हैं क्वालिटी कैसी है। अब इसका जो चेन है वो लंबा रहेगा,
चेन भूल जो टांगने वाला है, अच्छा लग रहा है सिंपल। सिंगल चेन हैंगर में और कुछ इस टाइप का है, निकालो तो बस ये वन लेयर वाला है। लगता भी नहीं है ना मेरा। Hey guys, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी गए हैं पतिदेव शॉप, देख लो घड़ी, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी हो रखा है ना, हम लोग सब लोग परेशान हैं। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ एक जन को मेहंदी लगाने, वो सुबह ही आई थी, मैं जस्ट कुकिंग करके सकी थी तो मैं बोली अभी मैं नहीं लगा पाऊँगी, मैं आपको बाद में लगा दूँ। फिर अभी बाहर भी सब लोग बोल रहे हैं दिन भर कहाँ गए थे भाई, अब एक अकेली जान, इतने सारे लोग को एक बार में लगाना पॉसिबल नहीं होता ना। चलिए इन्हें को लगा के आते हैं, फिर रात को बिट्टू के यहाँ जाएंगे। मैं जा रही हूँ आंटी के यहाँ, निकलते हैं देखते हैं कब तक आते हैं घर। गाइस अभी 10 बज गए हैं, मैं अभी आ रही हूँ घर, अभी आके मैंने जस्ट राइस चढ़ाया है बोले। आदत नहीं है ना लगाने का, तो उतना स्पीड नहीं है मेरे हाथ में, तो फिलहाल तो मैं तो ही लगता है, वरना खाली फूल फूल ही बनाया है, उतने में बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए।